एशियन गेम्स में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। इंडियन शूटर्स की टीम ने सोने पर निशाना लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। हांगझू एशियन गेम्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिल गया है और ये जो स्वर्ण पदक मिला है वो निशानेबाजी में मिला है। और आपको बता दूं कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जो कि पुरुषों की थी उसमें भारत के शूटर्स ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा है, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए भारत ने ये सोने का पदक जो है वो हासिल किया है। आपको बता दूं कि जो इंडियन शूटर्स की टीम है पुरुष वर्ग में, रुद्रांश पाटिल की आप बात कर लें, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह ने मिलकर जो है ये स्वर्ण पदक जीता है टीम इवेंट में और ये पहला स्वर्ण पदक है। और आपको बता दूं कि भारत ने 1893.7 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया और तब जाकर सोने का पदक जीता है। तो भारतीय टीम को बधाई, निशानेबाजी टीम को बधाई। और आपको बता दूं कि इसी इवेंट में जो इंडिविजुअल इवेंट होता है 10 मीटर एयर राइफल की जो स्पर्धा होती है उसमें भारत को कांस्य पदक मिला है और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जो है वो कांस्य पदक जीता है। लेकिन हम गोल्ड मेडल वाले मैच की बात कर ले तो उसमें जो है जो अंक बनाए रुद्रांश पाटिल ने जो है 631.6 अंक बनाए थे, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 631.6 अंक बनाए थे और दिव्यांश सिंह ने 629.6 अंक बनाए थे और भारत के कुल अंक हुए 1893.7 और स्वर्ण पदक मिला। तो हांगझू में भारतीय राष्ट्रगान जो है वो बजाया गया और जो है जो भारत का तिरंगा है वो ऊपर की ओर गया। ये दृश्य जो है हम हांगझू में बार बार देखना चाहेंगे कि भारत ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण पदक जीते। वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दूं कि जो हांगझू एशियन गेम्स में जो पहला पदक भारत को मिला वो भी निशानेबाजी में ही मिला था और वो भी 10 मीटर एयर राइफल की ही स्पर्धा थी महिलाओं की और उसमें भारत ने सिल्वर मेडल जीता था। तो वो पहला पदक जो है वो भारत को जो है इसी में मिला और आपको बता दूं कि वो भी वही स्पर्धा थी। इसके अलावा अगर हम कुल पदकों की बात कर लें तो शूटिंग में भारत ने अब तक एक स्वर्ण पदक जीता है, एक रजत पदक जीता है और 3 कांस्य पदक जीते हैं। तो शूटिंग में भारत को अब तक 5 पदक मिल चुके हैं जबकि रोइंग में जो है उसमें भी भारत ने 5 पदक जीते हैं। हालांकि वहां कोई गोल्ड मेडल नहीं आया है लेकिन वहां पर 2 रजत पदक आए हैं और 3 कांस्य पदक आए हैं। तो इस तरह से भारत के पदकों की संख्या जो है वो 10 हो गई है और उसमें आपको बता दूं कि भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं जो दिन बढ़ने के साथ साथ उसकी संख्या में और इजाफा होगा। पहले दिन भारत ने 5 पदक जीते थे, दूसरे दिन भारत ने 1 गोल्ड सहित जो है वो 5 पदक जीत लिए हैं और अभी दूसरे दिन जो है और इसकी काउंटिंग बढ़ने वाली है क्योंकि महिला क्रिकेट में भी पदक आना तय है और अन्य इवेंट्स भी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय एथलीट हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं, वो हांगझू एशियन गेम्स में इसी तरह से शानदार प्रदर्शन करते रहेंगे। भारत फिलहाल मेडल टैली में 6ठी पोजीशन पर है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब वो फिनिश करे तो कम से कम टॉप 5 में जरूर हो। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।